नमस्कार आदाब, मैं उदय, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास आइए भाई नेक्सा बलेनो। नेक्सा बलेनो जो ये 2022 मॉडल है और बलेनो का ये भाई बेसिक मॉडल है। इसके अंदर हम लगा रहे हैं एंड्रॉइड प्लेयर और इसके अंदर देखेंगे भाई सामने पूरा फ्रेम खाली पड़ा हुआ है, डमी पीस लगा हुआ है। अभी हमारा डोर खोल रहा है साइड का। इसके अंदर हम स्पीकर लगाएंगे, स्पीकर जो लगाएंगे हम भाई कंपोनेंट लगाएंगे आगे के डोरों पे। ये देखिए ये पूरा निकल जाएगा और इसके अंदर लगाएंगे हम एंड्रॉइड प्लेयर। तो भाई इसके अंदर हम जो स्पीकर लगाने वाले हैं वो आगे लगा रहे हैं हम कंपोनेंट और पीछे लगाएंगे कोएक्सियल। भाई स्पीकर भी जो है ना डोरों पे नहीं आते हैं, ये देखेंगे आप, क्योंकि बेसिक मॉडल है गाड़ी का तो इसके अंदर आपको स्पीकर नहीं मिलेंगे। और पीछे के डोर पे वायरिंग भी नहीं आती भाई, ये भी आपको बता दूँ, पीछे के डोर पे वायरिंग नहीं आती, सिर्फ फ्रंट टू डोर पे वायरिंग आती है, तो उसकी वायरिंग भी हम पूरी करेंगे। ये देखिए पीछे पूरा ये फॉर्म लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा फॉर्म है। ये देखिए यहाँ स्पीकर नहीं लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम स्पीकर लगाएंगे हम कोएक्सियल पीछे और आगे लगाएंगे कंपोनेंट। ठीक है भाई, ये देखिए ये वायरिंग फ्रंट डोर की है ना, ये फ्रंट डोर में कपलर दिया है, रियर डोर में कोई कपलर नहीं दिया है, वो भी मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। और भाई अपन आ गए गाड़ी के अंदर, इसके अंदर लगा रहा है अपन एंड्रॉइड प्लेयर अल्फा कंपनी का रखा हुआ भाई, ठीक है ना। ये अल्फा कंपनी का 9 इंच का है, 216 इसके अंदर लग रहा है। और ये इसका पूरा फ्रेम है, फ्रेम पूरा निकाल के ये पूरा फ्रेम लगेगा भाई इसके अंदर। ये फ्रेम के अंदर लग के फिट करते हैं और इसके अंदर स्पीकर जो लग रहे हैं, स्पीकर में आपको बताता हूँ स्पीकर कौन से लग रहे हैं इसके अंदर। अब ऐसे घर खुलता है भी हम प्लेयर पूरा ये खुलेगा डैशबोर्ड, इसका डैशबोर्ड खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकर भाई। ये लग रहे हैं इसके अंदर कंपोनेंट रमेश सीरीज का कंपोनेंट लग रहे हैं इन्फिनिटी के। और पीछे कौन से लग रहे हैं कोएक्सियल, और पीछे ले आएंगे भाई कोएक्सियल स्पीकर कहाँ है। ये भाई प्राइमर सीरीज के कोएक्सियल स्पीकर जो हम पीछे के डोर पर लगाएंगे और आगे के डोर पर लगाएंगे कंपोनेंट। हम लगाएंगे एंड्रॉइड प्लेयर। तो भाई इसको खोलता हूँ मैं, उसका फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई पूरा हमने खोल दिया इसका तामझाम, देखेंगे आप पूरा फ्रेम हमने खोल दिया, ये कंपोनेंट हमारा लग चुका है, ये एंड्रॉइड प्लेयर अभी लग रहा है हमारा, फराज भाई लगा रहा है। ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ पीछे कोएक्सियल लगाने के लिए, खुद ने खोल दिया सब कुछ कर दिया, काम धाम ढालो यहाँ से वगैरह, पीछे जाता हूँ, पिछली वायरिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे लगाएंगे हम कोएक्सियल स्पीकर, ये रखे हुए कोएक्सियल जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। गाड़ी का है बेसिक मॉडल, इसके अंदर नहीं दिया कंपनी ने कोई वायर, ये वायर हमने डाली है, देखेंगे इसमें भी हमने कपलर लगाया, पिन लगाई है मतलब। और ये इधर भी वायर यहाँ तक दिए कंपनी ने वायर, इसके अलावा अंदर वायर नहीं दी, तो हमने पूरा वायर यहाँ से निकाल के, यहाँ से बाहर निकाल कर उसके अंदर क्लिप कर दिया। ये आप देखेंगे ये पूरा क्लिप हैगा, ये देखिए ये पूरा क्लिप कर रखा हमने, कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी है, देखेंगे पूरी वायरिंग पूरी सेफ है ऐसी ऐसी। और यहाँ पर हमने क्लिप कर दिया, ये पूरा थिम्बल लगा दिया जो कि हम कोएक्सियल के इन पिनों में ये क्लिप लग जाएगी। ठीक है भाई, वो भी कस के आपको दिखाते हैं। अच्छा हमने स्पीकर और वहाँ की वायरिंग हमारी डल रही है साइड की, देखेंगे आप आगे कंप्लेंट कर दिया है। अभी काम पूरा बाकी है, पूरा काम में पूरा खुला हुआ गाड़ी का, पूरा फिट होते हैं उसका आपको दिखाते हैं। ये हमारा अल्फा कंपनी का प्लेयर जैसा कि मैंने आपको बताया था 9 इंच का है 216। तो भाई पूरा फिट होने देते हैं, काउंट का आउटपुट भी सुनना, पूरा सेटअप भी दिखाएंगे। और भाई इसके अंदर लग रहे हैं डोर वाइजर के अलावा इसके अंदर विंडो कवरिंग भी हम इंस्टॉल करेंगे, ये देखेंगे आप। तभी लग रहे हैं हमारे वाइजर, और वाइजर जो हम लगा रहे हैं भाई 3M के प्राइमर के साथ में लगा रहे हैं, ठीक है ना। 3M का प्राइमर लगाने के बाद भी हम डोर वाइजर हो चाहे विंडो कवरिंग हो, चाहे साइड वेटिंग हो, चाहे फुट स्टेप हो, वेलकम प्लेट, जो भी चिपकाने वाला आइटम है भाई हम 3M को प्राइमर से लगाते हैं। ये देखिए अभी इसमें विंडो कवरिंग लगी नहीं है, इसके अंदर विंडो कवरिंग भी लगाएंगे, पहले प्राइमर इसके अंदर लगाएंगे, इसका फिर हम विंडो कवरिंग और इस साइड में वाइजर लगेगा। अभी राइट साइड में लग रहा है, ये रहे भाई हमारे वाइजर जो कि लेफ्ट साइड के हैं। अब लगाते हैं भाई इसके अंदर हम एंड्रॉइड प्लेयर, ये देखेंगे आप एंड्रॉइड प्लेयर पूरा कपलर हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं। ये देखिए भाई इस तरीके से पूरा हमने USB केबल, GPS एंटीना, FM का एंटीना सब इसके अंदर लगा दिया हमने, माइक वगैरह सब, मेन कपलर भी लगाने के बाद इसको हम करेंगे फिट। ये इसके भाई 2 स्क्रू कस देते हैं, ये पूरा हमने प्रॉपर तरीके से पूरा फिट कर दिया भाई। ये 2 स्क्रू कसने के बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसका वीडियो, इसकी वीडियो क्वालिटी आप देखिए। ये देखिए भाई इसकी वीडियो क्वालिटी, आवाज़ मैंने बंद कर दी इसकी ताकि भाई कॉपीराइट ना जाए। ये देखिए भाई पूरी HD क्वालिटी है, ये आप देख सकते हैं।
सिंगुलर पार्ट होते पहले ये लगेगा, ये लग गया। ये इसका ये आपका ब्लू वाला पोर्शन लगेगा, ये ब्लू वाला, ये और ये भाई लग गया आपका। ये देखो, अगर ये आपको निकालना है तो उसमें आपको पेचके लगाने जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिब्बी खोलो, यहाँ डालो हाथ, ये निकाल लो। ये और लगाना है तो ऐसे लगा दो, पूरा लग जाता है, लग गया एज इट इज। और ये हटो, यहाँ से इसका लगा दो वापस और डिग्री लगा दो। पिंडा मत दिखा इसका, ये लगाएंगे अपन। ये भी पूरा लॉक सिस्टम है, साउंड चेक करा दो भाई। ये पूरा ठीक है भाई, एडी जैसा खुला था वैसे पिक कर दिया। ये वीडियो चल रहा है अभी, सब चल रहा है। अब सुनाएंगे आपको एक सॉन्ग, एंसर सॉन्ग, ताकि कॉपीराइट ना है भाई, नॉन कॉपीराइट बजाओ। अब आ गए भाई गाड़ी के बाहर, और इसका नाम लगा दी विंडो गार्निश। ये आप देखेंगे 6 पीक्स में हमने इसमें विंडो गार्निश लगाई, 6 पीस आए विंडो गार्निश के, देखेंगे आप। और ये लगे हैं भाई हमारे डोर वार्जर, जो कि क्रोम लाइन में, मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए आप। और ये हमारे लगे हैं भाई हैंडल क्रोम। ये पूरा आइटम जो भाई सी एल एक्स कंपनी का है भाई। आपको वीडियो कैसी लगी, साउंड कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।